you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल. सो गाइज, ये एलोवेरा जेल जो है ये स्ट्रेंथ डिवेंस की ओर से है. उनका मैंने इस ब्रांड का मैंने परचेज़ किया है, और इसके परचेज़ करने के पीछे एक स्टोरी है, क्योंकि मैंने इसके पहले इस ब्रांड को कभी यूज़ नहीं किया था. लेकिन आप लोगों को जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे जो स्मिटन बॉक्स आया था उसके अंदर एक फेस वॉश आया था, ये वाला स्टेंट इवेंट्स का, ये है टी ट्री फेस वॉश. तो सबसे फर्स्ट मैंने वहीं पर मतलब तभी मैंने यूज़ किया था, तो मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे भी एलोवेरा जेल परचेज़ करना था, तो ये काफ़ी अच्छे ऑफ़र में चल रहा था. तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर इसका फेस वॉश इतना अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो क्यों ना ये भी यूज़ करके देखे. तो मैंने यहाँ पर ये वाला एलोवेरा जेल परचेज़ किया है, स्टेंट डिवेंस का एलोवेरा जेल विटामिन ई फॉर ऑल स्किन टाइप. ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है इसमें कि ऑल स्किन टाइप के लिए. अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप को सूटेबल है. सो गाइस, इसके चले जानते हैं वन बाय वन इसकी सारी जानकारी इसके बारे में. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं. इसकी पैकेजिंग आप लोगों को दिख रही है कितनी स्टडी है. प्लस सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऐसे पंप टाइप की बॉटल में आता है, तो इसके इसमें क्या है कि अपने हाथों पर अपना कंट्रोल होता है कि हमें कितना प्रोडक्ट निकालना है, ये सबसे अच्छी बात होती है इसमें. सो पैकेजिंग आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी है. जैसे हम लोग अदर दूसरे कोई एलोवेरा जेल के देखेंगे पैकेजिंग, तो उन सभी से काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है. सो नेक्स्ट हम लोग इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं. तो प्राइसिंग यहाँ इनने MRP दी है 299, बट ये मुझे मिला है 210 रुपये में. तो ये ऑफर में चल रहा था, इसलिए मैंने इसी को परचेज़ किया, और ये काफ़ी सस्ता मुझे मिल गया 210 रुपये में. और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 275 ml. तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है हमें इतनी प्राइसिंग में. और चलिए इसके अंदर की हम इसके यूजेस जान लेते हैं, इसके बैक में जो 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 चीज़ें लिखी है उसके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले जो मेन चीज़ें यहाँ दी गई है उसे मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ कि ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, प्लस मिनरल ऑयल फ्री है. तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. देन लास्ट में लिखा हुआ है नो हार्मफुल केमिकल्स. तो अगर इन सब, ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये सारे जो केमिकल्स हैं, पैराबिन्स हैं, जो भी हैं, ये हमारे स्किन को कितने हार्मफुल होते हैं. तो ये अच्छी बात है कि इसमें ये कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने स्किन पर, अपने हेयर पर, जैसे आपको यूज़ करना है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है. देन नेक्स्ट हम लोग इसके बैक में यहाँ जो लिखा है वो मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ. सो इसमें लिखा है एलोवेरा ट्राइड एंड ट्रू नेचुरल रेमेडी हैज़ बीन यूज बाय वेरियस कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली स्किन केयर. तो ये सही उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्किन के लिए, जो भी हम डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं उसके लिए. कई लोगों को लगता है कि एलोवेरा जेल ऐसे ही होता है, बट अगर आप इसे यूज़ करोगे डेली, तो आपको पता चलेगा कि ये एलोवेरा जेल, ये हो या कोई भी एलोवेरा जेल हो, आप जिस मतलब जो भी ब्रांड का आपको पसंद है आप ले सकते हो. तो एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा हमारे स्किन के लिए होता है. अगर आप नेचुरल लगाओ तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आपके घर में पौधा हो तो. तो देन नेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेंट डिवेंस एलोवेरा जेल इज़ अ प्रीमियम फास्ट एब्जॉर्बिंग. तो ये तो बहुत अच्छी बात है इसमें. ये मैंने भी देखा, इसे यूज़ करके जब देखा था, कि इससे आप जैसे ही अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे लगाते हो तो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में. तो ये भी बहुत अच्छी बात है. देन थिन कूलिंग जेल, ये जेल फॉर्म में ही आता है, किसी ब्रांड का आप ले लो. देन उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर एन एक्सलेंट डेली मॉइस्चराइजर फॉर एंटायर बॉडी. तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्लस ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी आपकी हेल्प करता है. चलिए अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ.
इस एलोवेरा जेल की। वैसे नॉर्मल जैसे एलोवेरा जेल आते हैं उसी टाइप की कंसिस्टेंसी है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए इसमें हाथों पे अपना काफ़ी कंट्रोल रहता है। जैसे मुझे एक ड्रॉप चाहिए था तो मुझे मैंने उतना ही निकाला, सो देख सकते हो आप लोग। देखिए ये आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेटिंग बनाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो भी बहुत ही प्यारी है, सो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप इसे किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप सबसे फर्स्ट तो इसे आप एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हो, मेकअप करने से पहले आप इसे लगा लीजिए तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। प्लस ये एलोवेरा जेल जो है वो अदर प्राइमर से काफ़ी सस्ता पड़ेगा, तो ये इसे आप एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसे एज ए नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, रात में आप सोते हो उस वक्त भी आप इसे लगा के सो सकते हो, तो ये एज ए नाइट क्रीम भी बहुत अच्छा काम करेगा। देन अगर आप सुबह नहाकर आते हो तो उसके टोनर के बाद तुरंत आप इसे लगा लें। देन उसके बाद जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, या अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई भी होम रेमेडी बनाते हो, जैसे आप बेसन या किसी चीज़ों के साथ अगर कोई फेस पैक बनाते हो उसके साथ भी आप इसे मिक्स कर यूज़ कर सकते हो, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो देन उसके बाद इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ मुझे लगी कि इसके अंदर है विटामिन ई, तो इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही इसके सारे मैंने यूजेस प्लस जो कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो मैं सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को बताया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसमें विटामिन ई आपको मिल जाता है तो सो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विटामिन ई के मैंने आपको बताया था कि ये कितना बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, कि आपके डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपकी स्किन को यंगर यूथफुल बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा, प्लस ये काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है आपके स्किन को विटामिन ई। तो ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताती हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे उस वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें विटामिन ई भी मिक्स है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र, ये नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र है, तो ये अच्छी बात है। कई कई चीज़ों में ऐसी चिपचिपी सी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से हमारे स्किन पे और ऑयल आ जाता है, प्रोड्यूस करने लगता है, तो ये उस टाइप का नहीं है, नॉन ऑयली है। देन ये आपको किस किस चीज़ से रिलीफ मिलती है इस चीज़ को, मतलब इस एलोवेरा जेल को लगाने से किस किस चीज़ में आपको इफ़ेक्टिव इसके यूजेस हैं, वो इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि सनबर्न, अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको ये बहुत काम करेगा। देन उसके बाद माइनर बर्न्स, जैसे आपको हल्का हल्का कहीं भी हम खाना बनाते हैं कुछ किसी हल्की सी चीज़ों में आपको जल जाता है हाथ, तो उसके ऊपर आप लगा लोगे तो ये काफ़ी सूद करने में आपकी स्किन को हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्किन इरीटेशन को भी स्किन इरिटेट अगर होती है, किसी की इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर आप लगा लोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी इफेक्टिव असर इसका दिखेगा आपको। देन इंसेक्ट बाइट्स, अगर कोई मच्छर या कोई भी इंसेक्ट छोटे मोटे होते हैं वो अगर काट ले तो उसके ऊपर भी आप लगा लो तो भी ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। देन ईचिंग की, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है खुजली की तो उसके ऊपर भी आप इसे लगा सकते हो। तो देन अगर आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई हो, कई लोगों को पैचेस हो जाते हैं ड्राई, उस टाइप की अगर बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो तो ये रेगुलर आप इसे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाएगी इसे यूज़ करने से, और ये नॉन स्टिकी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। देन ओवरऑल इन्होंने बताया है कि आपकी जो स्किन को ये बहुत ही हेल्दी और नरिश रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये है उसका ओवरऑल जो भी इन्होंने इसके यूजेस एंड ऑल जो भी इसका लिखा हुआ है बैक साइड में, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी आपको मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, एलोवेरा जूस है, विटामिन ई है, और देन उसके बाद लिखा है इसमें पोटेशियम सॉर्बेट, देन बाकी तो फिर ऐसे वो केमिकल्स के नेम हैं वो बता के कोई मतलब भी नहीं है। प्योरीफाइड वाटर, कलर, सो इसमें कलर का भी यूज़ किया हुआ है इससे ग्रीन करने में आई थिंक।
तो बाकी तो फिर इसमें कई दूसरी चीज़ों के नाम हैं जो बताने से कोई मतलब नहीं है, हर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें। तो जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई, आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा था जो समझ में आएगी, तो मैंने आप लोगों को सारी जानकारी इसके बैक साइड की दे दी। तो गाइस इसे आप लोग ज़रूर एक बार लेकर यूज़ करके देखिए, इसका मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगे, मतलब यूज़ करोगे अगर आप लोग लोगे तो, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसे यूज़ कर मतलब ले सकते हो। सॉरी, तो चलिए गाइस बस यही था आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।